Hello, Bachi. Let's rate the question. A metal chain of mass 2 kg and length 90 cm hangs over a table with 60 cm on the table. How much work needs to be done to put the hanging part of the chain back on the table? Okay. So, एक मेटल चेन है जिसका मास हमें 2 kg गिवन है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 90 सेंटीमीटर. एक टेबल के ऊपर हैंग कर रही है सच डेट की 60 सेंटीमीटर टेबल पे है और कुछ उसका जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हैंग कर रहा होगा. मान लो ये हमारी ऐसे टेबल है, ठीक है, इस पे हमने एक मेटालिक चेन रखी हुई है सच डेट किसका जो 60 सेंटीमीटर है जो पार्ट है, 90 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, जो 60 सेंटीमीटर है वो टेबल के ऊपर है, यानी कि जो बचा हुआ होगा वो हैंग कर रहा होगा ऐसे, ठीक है. टोटल लेंथ हमें कितनी दी हुई थी 90 सेंटीमीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं 0.9 मीटर, जिसमें से हमारा 60 सेंटीमीटर तो टेबल पर है, ठीक है. सो बचा हुआ क्या कर रहा होगा, हैंग कर रहा होगा, जो हैंगिंग पार्ट होगा उसको हम बोल देते हैं एल या फिर एल डैश बोल देते हैं, ठीक है. जो हमारा पार्ट हैंग कर रहा होगा दैट वुड बी एल डैश, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर या फिर हम बोल सकते हैं 0.3 मीटर, ठीक है. ये वाला पार्ट हमारा हैंग कर रहा होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है. कितना पार्ट हैंग कर रहा होगा क्योंकि 60 सेंटीमीटर टेबल पर है और बाकी का बचा हुआ हमारा हैंग कर रहा है. हमें बताना है कि जो हैंग कर रहे हैं ना चेन का ये जो पार्ट, उसको टेबल पर वापस लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा. अब देखो ये जो हमारा हैंग कर रहा है इसका मास कितना है पहले वो निकाल लेते हैं. देखो टोटल चेन का मास 2 kg था, जो हमारी 90 सेंटीमीटर या फिर 0.9 मीटर लेंथ का जो मास था का मास कितना था 2 kg. तो हमें किसका चाहिए 30 सेंटीमीटर के लिए चाहिए. तो अगर मैं 1 मीटर के लिए निकालूं, 1 मीटर लेंथ के लिए मास कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 by 0.9 kg. तो अगर मुझे 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर लेंथ के लिए चाहिए तो दैट वुड बी 2 by 0.9 × 0.3, ये जाएगा 3 पे यानी कि 2 by 3 kg, ठीक है. एक तरह से इसका 1/3 ही हो गया ना, क्योंकि मतलब देखो 90 सेंटीमीटर का 2 kg था, 30 सेंटीमीटर क्या होगा उसका 1/3 पार्ट हो गया, सो 2/3 आ गया. टोटल 2 था तो उसका 1/3 कितना होगा 2/3 kg. सिंपली वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है. तो इस हैंगिंग पार्ट का जो मास हो गया दैट इज 2/3 kg, ठीक है. अब मास हमने निकाल लिया हैंगिंग पार्ट का, एम डैश बोल देते हैं दैट इज 2/3 kg. अब देखो इस हैंगिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे सेंटर पे, मतलब जो टेबल से कितनी हाइट पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है. तो इस हैंगिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लेंथ हो जाएगी फ्रॉम द टेबल, इसको हम LC डैश बोल देते हैं, दैट वुड बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 0.15 मीटर, ठीक है. तो जो वर्क डन होगा इन टू पुट दिस हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन बैक ऑन द टेबल वुड बी W वुड बी इक्वल्स टू MgL-C, ठीक है. ये हमारी लेंथ हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्रॉम द टेबल, तो इतने पार्ट को हमें ऊपर लेके आना है. और ये हमारा एम डैश था, तो एम डैश इंटू में जी इंटू में एल डैश, एम डैश की वैल्यू कितनी आई है 2/3 kg, जी की वैल्यू कितनी है 10 और एल डैश सी की वैल्यू कितनी है 0.15, ठीक है. तो ये आ जाएगा 2/3 × 10 × 15/100 लिख सकते हैं इसको. ये जाएगा 5 पे, 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 5 × 2 = 10, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 बचेगा, सिर्फ 1 joule, ठीक है. सो वर्क डन टू पुट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन बैक ऑन द टेबल वुड बी 1 joule. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. यहाँ पे मैंने बस कुछ नहीं किया, जो हमारा हैंगिंग पार्ट था 60 सेंटीमीटर टेबल पे था, 30 सेंटीमीटर हैंग कर रहा था, ठीक है. तो 30 सेंटीमीटर तो उसको हम वापस लाने हमें टेबल के ऊपर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना था. अब 30 सेंटीमीटर का मास मैंने फाइंड आउट कर लिया कि इतनी लेंथ के लिए हमारा मास कितना आता है 2/3 kg, इतने मास को हमें ऊपर लाना है टेबल पर. अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल से कितनी डिस्टेंस पे 15 सेंटीमीटर तक, तो मतलब 50 सेंट जिसकी जो एल डैश सी हो जाएगी दैट वुड बी 15 सेंटीमीटर. तो मैंने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया, तो वर्क डन कितना आ रहा है 1 joule, ठीक है. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.